दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल बॉर्डर न्यूज लाइव पर। आज हम बात करेंगे एक बेहद दुखद और दिल दहलाने वाली घटना के बारे में, जो उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में घटी है। मंगलवार 2 जुलाई को पुलराई गांव के सत्संग ग्राउंड में हुए हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। यहाँ भोले बाबा नामक शख्स के सत्संग में भगदड़ मच गई, जिसमें करीब 116 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। सत्संग में करीब 1 से 1.5 लाख लोगों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। अचानक सत्संग खत्म होने के बाद भीड़ बाहर निकलने लगी। लोगों के निकलने वाला गेट काफी सकरा था और रास्ते में नाला भी था। इसी दौरान भगदड़ मच गई और लोग एक दूसरे पर गिरते गए। हादसे के बाद मंजर इतना भयावह हो गया कि लोग घायलों और मृतकों को एम्बुलेंस, कार, ऑटो और टेम्पो में भरकर अस्पताल ले जाने लगे। अस्पतालों में स्ट्रेचर तक कम पड़ गए। हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान भी किया है। वहीं प्रधानमंत्री राष्ट्र कोष से भी मुआवजे की घोषणा की गई है। आईजी सलभ माथुर ने बताया कि सत्संग आयोजकों के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। अभी तक करीब 116 मृतकों की पुष्टि हुई है। सरकार ने उच्च स्तरीय जाँच के आदेश भी दिए हैं। जिला प्रशासन ने हर जिले के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, ताकि प्रभावित लोग सहायता प्राप्त कर सकें। दोस्तों यह हादसा हमें एक बड़ा सबक सिखाता है। बिना पर्याप्त इंतजाम के इतने बड़े आयोजन की अनुमति क्यों दी गई? प्रशासन क्यों नहीं अलर्ट हुआ? इन सवालों के जवाब हमें तलाशने होंगे, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो। तो आइए, मैं और मर्मा आपको लेकर चल रहे हैं घटना स्थल की तरफ और जानते हैं किसने क्या कहा। तो बने रहिए अपने न्यूज चैनल बॉर्डर न्यूज लाइव के साथ, क्योंकि खबर है तो दिखेगी। क्या हो रहा था, किस जगह हो रहा था ये कार्यक्रम? ये फोड़े से हो रहा था मुगलगढ़ के पास कार्यक्रम, हाथरस जिले में। किसकी सवारी, क्या था ये? विश्व सागर जी महाराज है, उनकी सवारी। उनके जाने के बाद ये हादसा हुआ है। उनके सामने नहीं हुआ? नहीं, उनके सामने नहीं हुआ। वो तो निकल रहे थे, वो निकल गए। वो निकल गए, उनके जाने के बाद हुआ है हादसा। हाँ, क्या हुआ था? ये रोड के किनारे खड़े हुए थे, धक्का लगा, वो नीचे गिरते हुए चले गए। एक दूसरे के ऊपर गिरते चले हुए, नीचे जो लोग दब गए वो निकल नहीं पाए। कम से कम 100 आदमी थे, कम से कम नीचे दबे हुए हैं वो। हाँ हाँ हाँ, कुछ एक्सपायर भी कुछ ज्यादातर हो चुके हैं वहाँ पे। 20-25 तो ऑन स्पॉट ही कर चुके हैं, ऑन स्पॉट खत्म हुए। क्या हो रहा था यहाँ, किस जगह हो रहा था? यहाँ भोले बाबा सागर विश्वरी का सत्संग हो रहा था। यहाँ लाखों की संख्या में एकत्र थे लोग। किस जगह थी ये? फुलरी मंगलगढ़ी सिकंदराव हाथरस। अच्छा अच्छा, कितने लोग आए होंगे? यहाँ लाखों की संख्या में थे लोग। तो व्यवस्था नहीं थी क्या? व्यवस्था थी, मगर इनके गुरु आए, गुरु जाने के बाद में यहाँ उनकी गाड़ी के पीछे भगदड़ मची, उसमें दब के मर गए। तो आप थे यहाँ सत्संग में? हाँ जी, सभी लोग थे यहाँ। बहुत कैसे, कितने लोग करीब इसमें इंसिडेंट हुए? एक्सीडेंट नहीं हुआ यहाँ पर, ऐसे ही गुरु की गाड़ी गई थी ना, तो वो जा रहे थे कि हमारे प्रभु गए, ये आ गए, उसमें दबने दब गए, एक ऊपर चढ़ गए वो। बाइक भी गई है, 100-200 आदमी तो है पक्का। हाँ, घायल भी मर गए, एक्सपायरी हो गए, बच्चे, पुलिस भी थी, कम थे इनकी। जितेंद्र केसर, नगर पंचायत तिलकना से। तिलकना से आप समागम में मुगलगढ़ी क्या बजे आए थे? नहीं, मुगलगढ़ी मैं नहीं आया था, मेरी माता जी आई थी। माता जी कितने बजे आई थी? माता जी सुबह से आई थी 10 बजे करीब। तो इसमें जो घटनाक्रम में क्या घटना घटी थी? इसमें घटनाक्रम में यह है कि अंदर कोई घटना नहीं हुई है। घटना जो भी हुई है वो पुलिस प्रशासन की वजह से रोड पे घटना हुई है। पुलिस प्रशासन ने जो है मुस्तैदी से अपना काम नहीं किया है, और उसकी वजह से पुलिस प्रशासन अभी इसी टाइम में, योगी जी अगर मेरी बात सुने हो, तुरंत पूरे स्टाफ को सस्पेंड किया जाए। नहीं, हम लोग रोड पर उतर के सस्पेंड। अभी अभी मैंने डीएम साहब से एक सवाल किया था, मैंने डी
सीएम साहब से सवाल किया था कि आप सर मुझे ये बता दीजिए कि ये जो लोग मरे इनका क्या होना है, तो जो भी उनके साथ जो पुलिस वाले हैं उन्होंने मुझे धक्का मारा है। चलो डीएम साहब ले जाओ, घर ले जाओ बॉडी को। हम ये चाहते हैं कि जो भी हो, एक मिनट सुनिए, जो भी हो हमारी मांग ये है कि देखिए जैसे कि अभी यहाँ पर 70% लोग मरा है ना, उसमें इसके हॉस्पिटल के खिलाफ FIR होनी चाहिए, डीएम साहब के नाम FIR होनी चाहिए पहले नंबर, तो दूसरे नंबर, और दूसरे नंबर स्टाफ के नाम FIR। जो लगातार लोग भी हमें इस बात का अवगत करा रहे हैं कि बाबा के खिलाफ भी FIR होनी चाहिए, इसमें बिल्कुल जो भी होनी चाहिए होनी चाहिए। भीड़ आई है सब, हमें भोले बाबा की सत्संग में भीड़ हम दब गए। कितनी भीड़ थी लगा? बहुत भीड़ है भैया, कितने लोगों की मौत हुई है? जाने अब मन्ना गिन ले भैया, यानी कितने का निकल गया है? बता रहे हैं लोग, बता रहे हैं आपको भीड़ ज्यादा थी? बहुत ही भीड़ है, बहुत ही डर की वजह से मौत हुई। एक संग वो रुक गया का नीचे दब गए, वहां में नीचे गए एक संग हमारे हमारे संग नहीं जे आपके कोई परिवार का कोई मिलने वाला आपने भी खत्म हुए? हाँ हाँ हमारी जे नंद लगती है वो भी खत्म हुई है। वो बुला रही आप भी उस संग में थी? क्या क्या चल रहा है? ओ भैया जो बहुत भीड़ थी भैया, भैया नीच दो गए बहुत पकड़ गए ऊपर मच गई गाड़ी वाले बहुत भैया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है, और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों के नागरिकों के लिए भी 50,000 रुपए की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा, यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। जो लोग इस पे कुछ राजनीतिक दल इस पे राजनीति भी कर रहे हैं, इसको गलत बता रहे हैं, आपको लगता है कि इस तरीके की घटना जब होती है तो राजनीति करने की बजाय सरकार देखिए देखिए ये समय पीड़ितों के घावों पर मलहम लगाने का है, पीड़ितों के प्रति संवेदना का है। सरकार इस मामले में पहले से संवेदनशील है और सरकार इस मामले की तह में जाकर के साजिशकर्ताओं को भी और इस घटना के जिम्मेदार जो हैं उनको भी उचित सजा देगी। किस जगह आई थी आप, क्या सुनने आई थी? सत्संग सुनने आए। किस जगह से? आगरे से। हाँ। किस जगह से आई थी? आगरा से आए। और कौन सी बच्ची गायब है, क्या साल की बच्ची है? छाया नाम है, आगरा से आए हम। बच्चे का नाम क्या है? छाया। कैसे साल की? 15 साल की। अभी नहीं नहीं दिमाग नहीं है, वो बोलती नहीं है बिल्कुल, रोवती है। क्या लोग आए थे आप लोग? रोवती है मते बच्चे साथ जने 20-25 जने हैं। तब गायब क्या लोग हैं? अकेली लड़की आ गई बस। मिल नहीं रही? नहीं मिल रही। यहाँ कोई बताया नहीं किसी ने? नहीं बताई, बता रहे हैं तुम यहाँ बता रहे हो तारे को मिली ना ढूंढ मिल गया। अच्छा गायब है, गायब कैसे हुई? अनंत संगत ने तो बिछड़े हुई है, हाथ में तो कर पुलिस ने कुछ बताया नहीं? नहीं बताया पुलिस ने। क्या कह रहे हैं?
यूँ करे हमें नहीं मालूम, हम भूल नहीं मालूम। चलो ये इनका सीन है। आगरा के पास गांव में रहन कला, वहाँ से आए मेरी पत्नी, हाँ ले गए इसमें, हाँ डेट हो गई। किनके साथ आई? गांव की एक हमारी चाची आई और एक बहन जी आई हमारे गांव की, हमारी बेटी भी आई जब तो सुरक्षित पहुँची घर, नहीं वो जो तीनों खत्म आ गए जी, बिटिया मेरे सुरक्षित पहुँची गई घर बस। हाँ और एक चाची लगती पड़ोस भी, हाँ पड़ोस भी और एक बहन जी लगती, वो भी खत्म आ गए तीन। मैंने मैंने कभी सुबह मरम्मत किया, तीनों के दो महीना पहले गई मैंने कहा, और तुम मैंने के 10-15 महीना पैसे महीना खान पीजे चली जाओ 10 महीना में बेटा मेरे बुबे को झुझरा पड़ेगा, तुम कहाँ ना गर्व करते जान दो कहीं और चुप पड़ेगा नहीं आ जाना नहीं जीते मान जाती मतलब हम ज़्यादा अल्लाह को करते तो मान जाती है ऐसी भी नहीं दुखती पर बेटे की वजह से मान गए उन्होंने कह गई मैं कर रहे जा रही तो मैं जान लू। हाँ बेटी तो सुरक्षित है वो शादी से जाए शादी। नाम है आपका? मेरा नाम शकुंतला। शकुंतला देवी जी ये हादसा कहाँ कैसे हुआ है जी? हाँ। एकदम सत्संग हुआ था जी, भोले बाबा का। हाँ भोले बाबा का। कहाँ पर? सिकंदराव जी। तो माँ एकदम हत्या खत्म है, खत्म है वे के बाद एकदम भाग छूटे सब लोग हथका, सब भागे तो माँ सड़क ऊंची नीचे हथकाए वो नालो सो, तो गाँव में एक के ऊपर एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक दबने से मौत हुई। दबने से। कितनी भीड़ थी वहाँ? हाँ बहुत भीड़ थी बहुत। कितने लोगों की मौत हुई होगी लगभग? अब वो तो मालूम नहीं है, मैं चार लोग कितने गए कितने नहीं गए। 27 डेड बॉडीयां एटा में आ गई। हाँ कितनी मौत हुई होंगी आपके हिसाब से? अब और ज्यादा है गई होंगी। हाँ देखो मेरी तो ये एक है पड़ोस से। आपके कौन खत्म हुआ है? मेरी पड़ोस से। क्या नाम है उनका? गंगा देवी। कहाँ की रहने वाली हूँ? अलीगढ़ के झोड़ मडरा। क्या नाम है उनका जो खत्म हुई? गंगा देवी। हाँ और कितने लोगों की मौत हुई है कुछ पता है? वो ना पता, अब मैं तो जे पनी देख नहीं। तो कब से? हम नारायण शाकर हरी जानते हैं, हमें 20 साल हो गए, आज तक ऐसा कभी हादसा हुआ ही नहीं। आज आप कितने बजे मारना पहुँचे थे? हम 7 बजे पहुँचे थे सुबह। कितने बजे कार्यक्रम शुरू हो गया था? 10 बजे से। ऐसा क्या घटना वहाँ पर हुई जो मतलब मत हुई? घटना क्या हुई उसमें? कुछ नहीं हुई थी, आप जानते हैं एक जब इतनी संगत हो गई तो रास्ता है तो एक हर किसी के लिए ये है कि जल्दी 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 पड़ी है तो जल्दी जा तो ऐसे होगा फिर क्या होगा? जब जल्दी ही मान रहे तरह ऊपर जा वो हो रहे तो क्या कर सकते तो क्या? हाँ परमात्मा चले गए थे, समापन हो गया था, दो ढाई बजे हुआ था भैया, दो ढाई बहुत देर बजे आज पूरी जल्दी आ गए थे। हाँ देर बजे समापन, हाँ उसके बाद में हादसा हुआ है, वो तो चले गए थे, उसके बाद में एकदम सहरा की तरफ सब आ गए थे। आप किसके साथ गई थी? मैं तो खुद ही आती हूँ, हर महीने आती हूँ, मैं पूरी बस भर के लेकर आती हूँ, दो बसें लेकर आती हूँ, आज तक कभी हादसा ही नहीं हुआ। मुझे बताते भाई 20 साल हो गई, मैं दो दो तीन तीन गाड़ियाँ लेकर आती हूँ, कभी कैसा हादसा ही नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ है ऐसा। हाँ सेवादार थे, हाँ सेवादार थे, बहुत तेरी कोशिश करी, खूब कोशिश करी, अब जब कितने नेका थूंगल थे ऐसे को बचा लेते, काफी था काफी संगत थी तो क्या बच जाती थे। आपको चोट ज्यादा लगी? नहीं मेरी बेटी गई है, इससे बड़ी चोट क्या लगेगी? मेरी बेटी तो बिल्कुल सही थी, मेरी बेटी ने तो खुद निकाल के लाई थी सब और अस्पताल में लेके आई है, अस्पताल में मेरी बेटी सही आई है बिल्कुल, और उनके लिए मेरी बेटी ने पानी भी पिलाया है सबको, पानी डाला है सबके मुँह में, और तब मेरी बेटी ने फोन किया है कि मामा मैं अस्पताल में आ गई हूँ, तो कहा कि तो जब तक मेरे भाई जी पहुँचे तब तक मेरी बेटी खत्म मिली है। घटना बहुत ही दुखद और हृदय विदारक है,
इसमें शासन और प्रशासन की पूरी संवेदनाएं जो मृतक हैं उनके परिजन के साथ हैं। हम लोग यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया और वो हर पल की खबर को मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी पहली प्राथमिकता है कि जो लोग घायल हैं उनको सही और अच्छी तरह से उपचार मिल सके, और जो मृतक हैं उनका पोस्टमार्टम वगैरह उसके बाद जो भी व्यवस्था करनी है वो करने के बाद उनके परिजनों को सौंपते हुए उनके घर तक पहुँचाया जाए ऑफिशियली कितनी। और अभी जो हम लोगों के पास सूचना एकत्रित हुई है वो लगभग 116 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है, उसमें 7 बच्चे हैं और अभी 1 पुरुष की बात है, बाकी शेष महिलाएं हैं। और इसमें जिन लोगों का शिनाख्त हो पाया है वो लगभग 72 लोग हैं। मिसिंग कितने हैं सर? तो नहीं, मिसिंग कोई नहीं है, जो 72 के अलावा बता रहा हूँ वो उनकी शिनाख्त की कार्रवाई की जा रही है, उनके फोटोग्राफ वगैरह लिए गए हैं और फिर उसको अलग मैकेनिज्म से उनके परिजनों को लोकेट करने की कोशिश की जा रही है। अलनायक कौन है सर, किसकी भूमिका सामने आ रही है इसमें? जो इकट्ठा होने की परमिशन थी सर शासन की ओर से जो इसमें किया जा रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत तत्परता के साथ उनके इलाज आदि की व्यवस्था की जा रही है और उनके घर तक पहुँचाने की व्यवस्था की जा रही है। जो मृतक है पुलिस के साथ वो वहाँ तक पहुँचाए जाएंगे। राज्य सरकार ने इसमें 2,00,000 मृतकों के लिए और 50,000 घायलों के लिए देने की बात कही है और इतनी ही धनराशि केंद्र सरकार की ओर से भी उन परिवारों को दी जाएगी। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने ADG और कमिश्नर इन दो लोगों को बताया है कि 24 घंटे के अंदर अभी जो स्थिति हम लोगों के सामने आई है उसमें जो उनके मुख्य सेवादार थे उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था इस तरह के कार्यक्रम के लिए और उसमें लगभग 80,000 के आसपास भीड़ की उन्होंने उम्मीद बताई थी, लेकिन जो सूचना मिली है वो काफ़ी ज़्यादा उसके संख्या वहाँ पे लोगों की थी, 80,000 से ज़्यादा थी। पुलिस काफ़ी बड़ी संख्या में डिप्लॉयड थी। उसके बाद भी जो बताया जा रहा है कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद लोगों की कुछ प्रथा है कि उनके पैर छूने या वहाँ से मिट्टी लेने की बात है, उसमें भगदड़ मची और पास में कोई नाला है जिसमें एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए। हम लोग अभी वहीं पे DG साहब के साथ साइट पे जा रहे हैं, वो देखते हैं कि वाकई क्या हुआ है। लेकिन ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि बहुत सख्त कार्रवाई होगी जो लोग इसमें दोषी हैं, और इसके साथ ही इसकी व्यवस्था भी की जाएगी कि इस तरह की घटना की कभी पुनरावृत्ति न हो। सर क्या आयोजक संपर्क में है? सर क्या आयोजक संपर्क है या फरार चल रहे हो? क्या उनके ऊपर भी FIR होगी, कार्रवाई? बिल्कुल होगी, इतनी बड़ी घटना है तो बहुत सख्त FIR होगी और बहुत सख्त कार्रवाई होगी। ये जो बाबा है सर, इनके खिलाफ पहले भी मुकदमे हो रखे हैं जहाँ पे इन्होंने प्रशासन की बातें नहीं मानी थी और कोविड के टाइम पे भी बहुत सारे लोगों को इकट्ठा। तो कैसे इजाजत दे दी? इजाजत कैसे मिल गई सर? कौन लैब SDM ने परमिशन दी, किस बिना पे परमिशन दी? SDM ने जो परमिशन करी है वो जो नॉर्मल प्रोसेस है पुलिस से रिपोर्ट लेने के बाद कार्यक्रम के लिए, लेकिन जो उन्होंने परमिशन दी है उसमें कई शर्तों का भी उल्लेख उन्होंने किया है कि आयोजकों को किस किस चीज़ की मौके पर व्यवस्था करनी चाहिए। ये आयोजकों की ओर से एक मेजर लैप्स है और जैसा मैंने कहा इसके लिए बहुत सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ। क्या अधिकारियों का भी कोई लैप अभी तक सामने आया है? ये जांच जो कमिश्नर और ADG को करना है सिर्फ 24 घंटे की मोहलत माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है और उसके बाद आप सबके सामने आएगा। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि 80,000 लोगों के ही जुटने की परमिशन थी, तो फिर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रही थी? उनको नहीं पता था कि 80,000 से ज्यादा लोग? ये सारी चीजें जांच में कवर्ड होंगी और आपके सामने उसका निष्कर्ष निकलेगा। सदन में थे, उस समय जानकारी मिली कि इस तरह का हादसा हुआ है। सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना, आखिरकार सरकार क्या कर रही थी? और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए, बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। देखिए, जब तक आप किसी आयोजन पे शुरुआत में से लेकर के अंत तक ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी घटना ही होंगी। इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वहाँ सरकार जिम्मेदार है। मरने वालों की मदद हो, उनके परिवार के लोगों का पूरा इंतजाम हो, जो अगर घायल हैं जिनको इलाज की जरूरत है, हमें उम्मीद है कि सरकार उनका इलाज
अच्छा कराएगी। जान चली गई है जो आप कैसे हुआ की सरकार हमारी उम्मीद करते हैं कि जो जख्मी है उनको राहत पहुँचाई जाएगी और इसकी बात बराबर देगा तक की प्राप्त सूचना के अनुसार 116 के मृत्यु कंफर्म है, 18 लोग घायल है विभिन्न जनपदों में। मुख्यालय जो हमारा अलीगढ़ है वहाँ पे इन लोगों के लिए उचित इलाज के लिए हमने प्रेषित कर दिया है। कार्रवाई क्या हुई अभी तक? अभी प्रारंभिक जांच चल रही है, FIR भी तो ये मैं। उसके लिए भी यहाँ पे प्रारंभिक जांच की जो रिपोर्ट आ जाएगी उसके अनुसार संबंधित अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आने के पश्चात ही नियमानुसार जानकारी तो मैम होगी, अनुमति तो है, अनुमति तो है। अब ये प्रारंभिक जांच ही बताएगा कि पूर्वानुमति उन्होंने लिया है SDM से भी और पुलिस से भी। वहाँ पे जो रिपोर्ट आ रही है जो हाथरस वाले इंसिडेंट में आई, वो 100 लोगों से ज्यादा लोगों की जान गई है और हमारी सभी परिवारों के साथ संवेदना है और यूपी सरकार को इस पे सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और जो लोग घायल हैं तुरंत उन पे सहायता पहुंचे लोगों की और इस पे एक जांच होनी चाहिए कि ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, ये भगदड़ क्यों मची। ये पूरी तरह प्रशासन और शासन की जिम्मेदारी थी। आयोजकों को कहना कि हमने पूरी जानकारी दी थी लेकिन ये पूरी तरह शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी थी। वहाँ पे एम्बुलेंसेज होनी चाहिए थी क्योंकि वहाँ पे जो ये कार्यक्रम हो रहा था, लेकिन इस तरह की व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं कराई गई। बहुत से लोगों की मौतें भी हुई, बहुत से लोग घायल भी हैं। इलाज कराने में सरकार असफल है, अभी तक उनके लिए कोई विशेष सुविधा नहीं हो सकी है। और जो भी नाटक हैं और जो घायल हैं उनको शीघ्र इलाज की व्यवस्था करानी चाहिए था प्रशासन को भी और सरकार को भी, और जो जिम्मेदार हैं उनके प्रति जिम्मेदारी फिक्स होना चाहिए। इसके पीछे क्या किसी की विफलता लग रही है, क्या लग रहा है प्रशासन का? अब असफल है, प्रशासन की जिम्मेदारी थी। जब इतना बड़ा कार्यक्रम करा रहे थे तो प्रशासन की भी जिम्मेदारी थी, और जब कोई घटना हुई है तो अब व्यवस्था ठीक से होनी चाहिए थी, इलाज भी होना चाहिए थी, तो अभी तक इलाज भी ठीक से नहीं दिया जा पा रहा। इसमें जनपद हाथरस में तहसील सिकंदरा अंतर्गत गांव मुगलगढ़ी में एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय उमस के अत्यधिक उमस के कारण जब वहां से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। लगभग कितने लोगों की मरने की पुष्टि हुई है? देखिए अभी इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहां से निकाल के अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी एग्जैक्ट नंबर बताने वाला संभव नहीं है। 27 जी, यहां पे जो अभी CHC से जो मुझे डॉक्टरों ने बताया है कि लगभग 50 से 60 के आसपास की एक फिगर एक हैं जिन जो मृतक हुए हैं। इसकी परमिशन SDM साहब द्वारा दी गई थी और इसमें एक प्राइवेट आयोजन था जिसमें कि पूरी ड्यूटी कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए लगाई गई थी और इसमें बाकी व्यवस्था जो अंदर की जानी थी वो स्वयं उनके द्वारा की जानी थी और इस संबंध में उच्च अधिकारी द्वारा एक उच्च स्तर पर एक जांच कमेटी जांच भी गठित की गई है। कितने लोग थे सर उस पंडाल में?
जी एग्जैक्ट ये जांच में सब निकल आएगा। एग्जैक्ट अभी ये इस स्थिति में मैं नहीं हूँ कि बता सकूं। अभी हमारा फोकस, जिला प्रशासन का फोकस ये है कि जितने भी घायल हैं और मृतक हैं उनको जो भी शासकीय सहायता है और वो और जो उनको इलाज उपलब्ध कराना है वो तुरंत प्राथमिकता पे कराया जाए। देखिए इसमें जांच चल रही, जांच होगी, देखिए वो जांच में निकल आएगा। आज शाम को ही आगरा मंडल के अपर निदेशक सर का फोन आया मेरे पास और इस दुखद घटना के बारे में पता लगा मुझको, और उनके द्वारा बताया गया कि एक जो सौ वाहन वहाँ हाथरस या एटा में बात करके भेजना है। तो मैंने तुरंत वहाँ के एटा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात की और उन्होंने उनसे बात करके एम्बुलेंस मैंने भेज दिया और एम्बुलेंस हाथरस को गई है। और यहाँ पे जिला अस्पताल को अलर्ट पे करते हुए चिकित्सकों की टीम और पैरामेडिकल को सबको अलर्ट पे कर दिया गया तथा 30 बेड आरक्षित कर दिए गए कि अगर मैनपुरी में भी घायल आते हैं तो उनको समुचित और पर्याप्त इलाज तुरंत बिना किसी देरी के मिल सके। एडी हेल्थ आगरा मंडल के द्वारा दिए गए। और कुछ नहीं, अभी तक तो मेरी जानकारी में कोई सत्संग से घायल व्यक्ति नहीं पहुंचा है और मैंने रास्ते में पड़ने वाली पुरावली सीएससी को भी अलर्ट कर दिया जो बीच में पड़ता मैनपुरी और एटा के, लेकिन अभी तक वहां पे भी कोई मरीज नहीं पहुंचा है घायल। और